दोस्तों, इन पगडंडियों से मैं चल करके जा रहा हूँ। मेरे बगल में ये एक छोटी सी नहर है जिसमें पानी बह रहा है। उसके बगल बगल घासें उगी हुई हैं, बड़ी बड़ी सी घासें। तो इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं खेत हैं और ये धान के खेत हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तर भारत में धान के खेत कैसे होते हैं वो दिखाऊँगा। और अभी धान की फसल लगभग एक महीने, एक से डेढ़ महीने हुए हैं और थोड़ा सा बड़ी हो गई है। अभी इसमें बालियां या फली, जिन्हें आप कह सकते हैं, वो नहीं आई हुई है। तो पहले आप ये नहर देख लीजिए। ये है नहर जिसमें पानी भरा हुआ। नहर क्या है? छोटा सा नहर है और उसी का मतलब जो है वो सब स्ट्रीम आप कह सकते हैं बड़े नहर की है। तो ये जा रही है इस तरीके से। अब मैं आपको धान की खाता हूँ। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही घास जमी हुई है और मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है। बेयर ग्रिल्स तो हूँ नहीं मैं, पर फिर भी मैं आपको क्लोज दिखाता हूँ थोड़ा सा। आप ये देख सकते हैं ये धान की खेत हैं, ये आपको यहाँ पर दिख गया होगा। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे खरपतवार, जिन्हें कह सकते हैं, वो निकले हुए हैं। जैसे ये एक देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये एक खरपतवार है। ये जो खरपतवार हैं ये धान की फसल में कहीं ना कहीं फसल को ख़राब करने का काम करते हैं, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन होता है जब ये खेतों में हो जाते हैं तो उसको ले लेते हैं। इस खेत में बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हैं इस तरीके से, और उसके साथ साथ अन्य तरीके के भी खरपतवार हैं। ये जो खेत है आप देख सकते हैं यहाँ में थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि धान की जो फसल होती है उसको होने के लिए खेत में लगभग पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए ज़्यादातर इंडिया में मॉनसून सीजन के टाइम पे ही धान को बोया जाता है। तो जो अच्छा धान होता है उसमें ज़्यादा खरपतवार नहीं होते हैं। यहाँ पर खरपतवार हैं, अब इसके लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, खेतों में ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जब ये धान के ऊपर पड़ते हैं तो कीड़ों से तो इनको बचा लेते हैं, खरपतवार से तो इनको बचा लेते हैं, लेकिन अगर बारिश हो जाए या किसी तरीके से ये नीचे चले जाएं तो जो और भी खेतों के अंदर बायोडाइवर्सिटी होती है या कह सकते हैं बैक्टीरियाज होते हैं, वेदर दे आर गुड बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरिया, उनको भी ख़त्म करते हैं। उसके साथ साथ ही जैसे अब मान लीजिए इस खेत से मैंने आपको बगल का नाला दिखाया, वहाँ पर ये बह करके आएंगे तो ये जा करके इस नाले से मिल करके हो सकता है किसी रिवर में या किसी पॉन्ड में या किसी ऐसे इकोसिस्टम में जा करके मिल जाएँ जहाँ के लिए ये बहुत ही घातक साबित हो। वहाँ की पूरे इको सिस्टम या वहाँ की पूरी बायोडाइवर्सिटी को ये ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का बुरा असर तो खेती पे रहता ही है। हालांकि क्या किया जाए, समय के साथ जैसे अनेक अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और बीमारियाँ आ रही हैं, इन सब का यूज़ भी बढ़ा हुआ है। फिलहाल हमें हमेशा इनका यूज जो है वो सोच समझ कर करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं एंड करूंगा आपको एक बार फिर से एक और धान का खेत दिखा करके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरी पैडी फील्ड है। यहाँ का धान उसकी अपेक्षा बढ़िया है, आप देख सकते हैं थोड़ा क्लोज यहाँ पर, क्योंकि इसमें खरपतवार थोड़े ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो उसकी तुलना में जो मैंने पहले दिखाया था इसे अच्छा कहा जा सकता है। तो ये जो आप आसपास देख रहे हैं लगभग इस समय धान की ही खेती हुई है, चारों तरफ धान की फसलें ही हैं। ये नहर वाली जगह और इसके उस पार भी आप देख सकते हैं धान के खेत ही हैं। तो धान भारत में खरीफ सीजन में बोई जाने वाली फसल है और भारत की जो कुल उत्पादकता है उसमें धान का प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा है। कहीं ना कहीं भारत में पूरे, चाहे वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, धान पर लोगों की बहुत निर्भरता है। लगभग हर राज्यों के लोग चावल खाते हैं, चाहे वो नॉनवेज के साथ खाएं या वेज के साथ खाएं, दाल के साथ खाएं, सब्जी के साथ में खाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जो राइस है उनके फूड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।